तो दोस्तों नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा स्नेह। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाने जा रही हूँ छुआई रोट बनाने की रेसिपी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले चाहिए चावल का आटा, और इसमें इसको हम पहले पानी डाल के ज़रूरत के इस अनुसार इसको हम इसका घोल बना लेंगे। बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे, इसको मसल के हम इसको इसका घोल तैयार बना लेंगे रोटी के लिए। इससे बनेंगी छुआई रोट। तो आज मौसम बारिश का है और थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा था, जिस वजह से मैंने आग भी जला रखी है। तो इसको हम तैयार करेंगे। और इसमें स्वाद के लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा धनिया मसाला, ये भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद मात्रा के हिसाब से स्वादानुसार इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद हम इसको और मिला लेंगे इसमें। अगर स्वाद के लिए कोई इसमें अजवाइन मिलाना चाहता है तो वो भी मिला सकता है, मैंने नहीं मिलाया है। तो बहुत पतला भी नहीं बनाना है इसको, बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी काट सकते हैं, जिसके लिए हमें इसको चाकू से कट करना पड़ेगा। तो अब मैंने इसमें थोड़ा धनिया, स्वाद के लिए हरा धनिया भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब पड़ेगी हमें करछी की ज़रूरत। अब हम करछी से इसे अच्छी तरह फिर से मिला लेंगे। और ये हमारी छुआई रोट की रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आटा लिया चावल का, चावल के आटे से ही छुआई रोट बनते हैं। इसमें मैंने डाला, उसके बाद पानी, पानी से इसका घोल तैयार किया। इसमें मसाला, धनिया, हल्दी, मिर्च भी डाला थोड़ा सा। और उसके बाद घोल तैयार करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा हरा धनिया भी मिक्स कर दिया कट करके। अब चाहिए हमें सबसे पहले तेल। अब हम इसमें थोड़ा सा पहले तवे को गर्म होने देंगे अच्छी तरह। तवे को बढ़िया करके गर्म होना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा तवे के ऊपर तेल, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, इतना डालना है ताकि रोटी हमारी अच्छी तरह पलट जाए।
तो दोस्तों बन रही है मेरी फर्स्ट रोटी। देखिए तो मैंने बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाया इसको, बहुत पतला भी, तो वैसे फिर इसको हम घुमा देंगे तवे में। देखते हूँ कैसी बनती है मेरी रोटी। फिर थोड़ा सा तेल ऐसे किनारों से डाल दिया। अब हल्के हल्के हाथों से हम इसको ऐसे पलटने की कोशिश करेंगे। तो हम पहाड़ी लोग फ्राई रोट कई बार बनाते हैं। आज मैंने भी सोचा छुट्टी का दिन भी था और क्यों नहीं फ्राई रोटी खाई जाए। अब मैंने पलटा दी रोटी, बहुत सरल सा तरीका है फ्राई रोट बनाने का। इसके लिए हमें चावल का आटा, बस हल्दी मसाला नमक मिर्च ये आइटम चाहिए। इसके लिए ज़्यादा आइटम भी नहीं चाहिए, बहुत टेस्टी होती है। ऐसे हम आराम से इसको पलट सकते हैं। हमारे तरफ तो लगभग लगभग सब लोगों को चाय रोटी बनानी आती है, लेकिन कई सब्सक्राइबर मेरे ऐसे भी हैं दूसरे इलाके में, दूसरे क्षेत्र में, जो चाय रोट बनाना नहीं जानते हैं। तब मैं आज चाय रोट बनाने की रेसिपी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आसान सा तरीका है, आग बढ़िया होनी चाहिए चाय रोट बनने के लिए। ऊपर से हरा हरा दिख रहा है, ये मैंने हरा धनिया इसमें डाला हुआ है। डॉगी भी हमारा देखा है ये भी रोटी खाने के लिए यहाँ पर बैठ गया है। जब ले अभी खाएगा, हाँ अभी बन रही है रोटी। पहले मैं इसको दे देती हूँ रोटी, फिर खाएगा छोई रोटी। पहले गेहूँ की खा ले, खा बाबू खा खा खा, बिना दूध या घी लगाई रोटी नहीं खाता है ये। सब मैंने थोड़ी दूध की मलाई रोटी में लगा दी, पहले उसी को चाट रहा है। खा खा रोटी भी खा खा ले, खा बाबू खा। ऐसा है ये, पहले मलाई मलाई चाटेगा। तोड़ दूंगी, ले अब खा ले। हाँ खा बाबू खा खा, मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये बन गई मेरी पहली रोटी, छुआई रोटी पहली, बढ़िया बनी है। अब मैं फिर बार बार दोबारा दूसरी की रोटी में, सबसे पहले हमने तेल लगाया, अब दूसरी रोटी से हम इसमें तेल नहीं लगाएंगे। तो यो बनान दगड़ी छुआई रोट,
कहाँ घुमा सकते हैं इसको, जितनी चौड़ी अपनी इच्छा अनुसार हम इसको छोटा बड़ा बना सकते हैं। कख चूल्हे में डालने के बाद फिर से हम इसको, अभी गर्म कम हुआ है, एक किनारे से हम इसको ऐसे ऐसे पलट देंगे हल्के हल्के करते से, तो ये हो गई है पलटाने के लायक तैयार। तो दोस्तों हल्का हल्का तेल फिर से लगा देंगे रोटी पलटाने के बाद, मेरी आग थोड़ी कम हो गई है। थोड़ा सा तेल दूसरी साइड भी हमने लगा दिया है। गैस में भी हम चाय रोटी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सी आज मैंने आग जलाई थी इसलिए मैं आग में ही बनाने जा रही हूँ। तो ये बन गई है मेरी दूसरी रोटी भी। इसको हिलाते रहना चाहिए ताकि ये ऊपर से पतला ना हो। तो बड़ी करछी से एक करछी या फिर छोटी से दो करछी भी हम इसमें डाल सकते हैं। आप गोल ले ले जपू ले ले रोटी और खाएगा आज। तेल डाल दिया थोड़ा हमने, आराम से बढ़िया तरीके से चाय रोट बन जाता है ये।
बस ऐसे तो बढ़िया बनना चाहिए राट। आराम से कर सकते हो। तो अब लगभग मेरी चाय रोट बन चुके हैं और कस लगे मैं चाय रोट बनाना रेसिपी और चाय रोट बनाना तरीका कमेंट जरूर करना और ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अपना पूरा प्यार सहयोग दिया है, आगे को भी ऐसे ही मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। तो ये थी चाय रोट यानी कि चावल की रोटी बनाने की रेसिपी, सरल सी, आराम से इस तरीके से चाय रोट बनाए जाते हैं। आप चाय बना के आराम से उसके साथ चाय रोट खा सकते हैं बिना सब्जी के, क्योंकि इसमें नमक हल्दी मिर्च मसाला सब पड़ा है। चाय के साथ मज़े से हम चाय रोट खा सकते हैं। आग का ध्यान इसमें रखना पड़ता है, बढ़िया सा आग इसके लीजिए, कम आग में रोटियां टूट भी जाती हैं। एक रोटी थोड़ी सी मेरे यहाँ पर किनारे से टूट भी गई है थोड़ी सी। अभी बजे हैं सुबह के 7 और बाहर मौसम भी थोड़ा खुलने लग गया है, हो सकता है छुट्टी का दिन है, इसके बाद मौसम ठीक होता है तो गेहूं कटाई का ब्लॉग डालूंगी मैं। मेरा लास्ट भी हो गया है, एक रोटी और बची है। अब मैंने कर दिया लास्ट रोटी और आटे का घोल भी फिनिश हो गया है।
तो दोस्तों, सुबह सुबह की फिर से आप सबको नमस्कार प्रणाम। अब इसी के साथ करती हूँ आज के इस रेसिपी के ब्लॉग को समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।